Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Akhilesh Mehta. आज आप लोगों को मैट्रिक्स के सीरीज में यूनिट 7 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। फिर कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाए और कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए, हेडिंग लगा लें कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, ए सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इस ए को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे एलिमेंट का होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म। जैसे एग्जांपल लेना, 2 + 3 i, 4 - 2 i, 3, 6, इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, इसको 0 × i कर सकते हैं, इसको भी 0 × i लिख सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं? इसके पहले हम जितना भी हम लोग पढ़े वो रियल नंबर के फॉर्म होता था, उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। किसी भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं, चाहे नेचुरल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 - 3 i, 4 - 5 i, 6 i, 3, इसको हम 0 और 7 लगा लेंगे, इसको 0 × i कर देंगे, तो आप a प्लस आई बी के रूप में लिख पा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो यह क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें, द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जब कंजुगेट की बात कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो कंजुगेट की बात होना ही होना, आपको मालूम होनी चाहिए। अरे 2 + 3 i z है, हम बोलेंगे इसका कंजुगेट क्या होगा, आप जानते हैं कि इसका इमेज बताना होता है ना, तो यह i के साथ प्लस रहेगा, क्या करना होता है माइनस में। कहने का मकसद यह है, अरे इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें, दिया 2 और 3 है, 2 और 3, और इसको प्लेन मिरर माना जाए, इसका इमेज कहां बन जाएगा? नीचे चला जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, या एक्स है या वाई एक्सिस है, तो एक्स का मान यहां भी 2, यहां भी एक्स का मान 2 होगा, वाई ऊपर 3 था, नीचे आके माइनस है। इसी को जब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो यह होगा -3 × i, है ना, और ये आपका क्या हो गया इमेज, और इसको जेड के रूप में लिखा जाएगा 2 + 3। तो कंजुगेट क्या बताता है? उसका इमेज बताता है। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन इट्स कंजुगेट मैट्रिक्स इज डोनेटेड बाय ए वन एंड डिफाइंड एक्स, इसको डिफाइन किया जाएगा ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन है देन ए कंजुगेट। तो यहां पे एलिमेंट का क्या करना है? कंजुगेट लगा देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पहले ए मान लिया आपका है 2 + 3 i, 3 - 2 i, 5, 3 + 4 i, इसका जी कंजुगेट लिखना हो
कंजुगेट मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहां प्लस हुआ माइनस हो जाएगा, और यह थ्री माइनस है या प्लस हो जाएगा, प्लस साथ माइनस, माइनस प्लस, पांच रियल उसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इसके साथ प्लस जीरो आई करें माइनस जीरो आई करें रियल नंबर पर कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर प्लस फोर आई या माइनस फोर आई, ये इसका क्या हो गया कंजुगेट। ठीक है, इसको आप नोट करें। फिर इसका प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। पहला ये पहले लिख लेते हैं, इफ ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट बी द, ए कंजुगेट बी कंजुगेट बी द कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ एंड देन। पहला ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, दूसरा ए प्लस बी का होल कंजुगेट, तीसरा कांस्टेंट के साथ यदि ए है इसका कंजुगेट निकालेंगे, ए बाहर हो जाएगा, ए का कंजुगेट वेयर के बी एन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए यदि वह इमेजिनरी के साथ होगा आई होगा तो उसमें माइनस लेगा, रियल होगा तो के का के ही हो जाएगा, इमेजिनरी आई के रूप में होगा तो उसमें आई में माइनस लेगा। और चौथा ए इंटू बी का होल कंजुगेट, ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट वेयर ए एंड बी, बी कॉन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लीकेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि कि ए और बी क्या है मल्टीप्लीकेशन करने के योग्य हो, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा हो तभी आप ए बी का होल कंजुगेट ए कंजुगेट इनटू बी कंजुगेट। तो ये इसके बेसिक क्या हो प्रॉपर्टी हो। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे इसके बाद पढ़ना हम लोग को कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको ले आगे चलते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बात देखिए, यार ट्रांसपोज कंजुगेट बोले हैं या कंजुगेट ट्रांसपोज बोले हैं किसी मैट्रिक्स का बात है कि एग्जांपल लेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखिए, लेट ए बी एनी, जब कंजुगेट की बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही पड़ेगा, लेट ए बी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए स्टार एंड डिफाइंड ए स्टार हो जाएगा। ट्रांसपोज करके कंजुगेट करें या कंजुगेट करके ट्रांसपोज, ये हो गया ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई एक मैट्रिक्स है टू माइनस थ्री आई, थ्री प्लस टू जे टू आई, थ्री प्लस फोर आई टू माइनस फाइव, ये देखिए इसका पहले हम ट्रांसपोज करते हैं क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री आई और फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में कर दिए, सेकेंड रो वाले को सेकेंड कॉलम में कर दिए। ठीक, फिर इसका क्या करेंगे कंजुगेट निकालते हैं। क्या यहां पे आप लोग को दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, चलिए यहां लेते हैं। अब इसका कंजुगेट, कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया,
और प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो इसी को बोला जाएगा ए स्टार। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहले क्या निकाला, ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, पहले कंजुगेट निकाल लेते हैं। अरे हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे ए का कंजुगेट पहले निकालते हैं, क्या मिलता है, तो टू प्लस थ्री आई, थ्री माइनस टू आई, थ्री माइनस फोर आई, टू प्लस फाइव आई। ले लिए, अब इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, जो रो में वो कॉलम में कर लेंगे, थ्री माइनस टू आई, या भी रो में उसको भी कॉलम में कर लेंगे। अब आप देखें तो यह हो गया ए स्टार, क्योंकि ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज कंजुगेट था या कंजुगेट ट्रांसपोज था, देख था। तो दोनों ए स्टार हो बराबर है, देख लीजिए, तो टू प्लस थ्री आई, थ्री माइनस फोर आई, थ्री माइनस टू आई, टू प्लस फाइव आई। ठीक है, तो आप ट्रांसपोज करके कंजुगेट करें या कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें, दोनों बात एक ही है, और उसको डिनोट किया जाएगा ए स्टार से। ठीक है, आप लोग नोट करें कि हम आगे क्यों आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज कंजुगेट, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का, वैसे ट्रांसपोज कंजुगेट का, लेट ए स्टार एन बी स्टार बी द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस कर लीजिए ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन कॉलम। जैसे दो बार ट्रांसपोज करते थे सेम आता था, उसी प्रकार दो बार आप स्टार करेंगे, मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे दो बार तो वह सेम आ जाएगा। यदि रहेगा ए प्लस बी, क्या जाएगा ए स्टार प्लस बी स्टार, यदि के ए रहेगा तो यह के बार हो जाएगा ए स्टार। क्यों बार हो जाएगा, क्योंकि वह के भी ए नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका कंजुगेट का पड़ेगा। चौथा प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज, जैसे कर देते हैं स्टार हो गया तो रेसिप्रोकल ऑर्डर में जाएगा बी स्टार ए स्टार, ए एंड बी बी कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लीकेशन, कहने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी वो मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हो तभी ऐसा होल्ड करेगा। तो ट्रांसपोज में रेसिप्रोकल होता था, उसी प्रकार यहाँ स्टार में भी रेसिप्रोकल ऑर्डर में। ठीक है, इस ऑपरेशन को ध्यान में रखेंगे, इसका यूज पड़ेगा हम लोग को प्रॉब्लम को करने में, और ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जाता है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे मीटिंग लगा लें। हार्मेशियन और एसक्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, जैसे हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, उसी प्रकार होगा हार्मेशियन फिर एसक्यू हार्मेशियन। एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सारा आप जो हार्मेशियन एसक्यू हार्मेशियन जो हम डिफाइन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना जरूरी है, साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी। ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी हार्मेशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल, इसको याद रखें ए ट्रांसपोज इक्वल ए होता था सिमेट्रिक, उसी प्रकार हो गया है हर्मेशियन। एग्जांपल के लिए तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, टू टू माइनस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई और ये थ्री, इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए स्टार का मतलब ट्रांसपोज और कंजुगेट। इसका जब ट्रांसपोज की हम बात करें तो यह ट्रांसपोज जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर देते हैं, फिर इसका कंजुगेट हम निकालेंगे
है ना, तो कंजुगेट हो जाएगा टू प्लस एस माइनस आई हो जाएगा, टू माइनस एस प्लस आई हो गया, है ना। तो यह हो गया ए स्टार, है ना। और आप चाहे तो इसको ए स्टार या ए थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। ए थीटा भी आप लिख सकते हैं, या इसको ए थीटा भी लिखा जाता है। ट्रांसपोज कंजुगेट को ए स्टार या ए थीटा दोनों जोड़ते हैं। चलिए अब जो यह आया तो ए थीटा आ गया आपका ए के बराबर ही आ गया। देखिए तो आया क्या, टू टू माइनस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई और थ्री दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, सो ए हार्मोशियन, क्लियर है। उसके बाद देखिए एस क्यू हार्मोशियन, ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी एस क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल माइनस ट्रांसपोज बताइए तो जाएगा रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं, फिर इसका कंजुगेट निकाल दिया क्या हो जाएगा, आई का माइनस आई, माइनस थ्री माइनस फोर आई, थ्री माइनस फोर आई और जीरो, है ना। तो अब यहां जो मिलेगा हम लोगों को ए थीटा हो गया, जो कितने बराबर हो गया, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस दो प्लस, थ्री प्लस फोर आई और हो गया माइनस थ्री प्लस फोर आई और यह जीरो। अब आप देखिए यह आपका कहीं माइनस ए के बराबर आ गया, है ना, यह तो यही है ना, आई आई यहां पर आई थ्री प्लस फोर आई माइनस थ्री प्लस फोर आई और जीरो, ठीक है। तो यहां देख ए थीटा इक्वल माइनस आ गया, सो ए इज एस क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना भी आसान हो गया, हार्मेशियन कब होगा जब ए स्टार या ए थीटा इक्वल ए, और एस क्यू हार्मेशियन कब होगा जब ए स्टार या ए थीटा इक्वल माइनस। यहां भी आप लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल। और एक खास बात इसमें क्या है आपको, एस क्यू हार्मेशियन में जैसे एस क्यू सिमेट्रिक में क्या था कि उसका डायगनल एलिमेंट क्या होता था, इस डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो होता था, और यहाँ क्या हो गया एसक्यू हार्मेशियन में एसक्यू सिमेट्रिक में डायगनल एलिमेंट जीरो होता था, और एसक्यू हार्मेशियन में डायगनल एलिमेंट या जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। कैसे हो रहा है उसको हम प्रूव करके भी बताते हैं आपको, इसको आप नोट कर लें भी फास्ट। क्या था प्रूव डायट डायगनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स और आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी। क्या प्रूफ करना है कि डायगनल एलिमेंट्स ऑफ एच क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स और आइदर या तो जीरो होगा डायगनल एलिमेंट या प्योरली इमेजिनरी होगा। लेट ए बी एनी एस क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, सो ए थीटा इक्वल माइनस, एलिमेंट ग्रुप में लिखेंगे ए आई डे, इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट इक्वल माइनस,
इन टर्म ऑफ एलिमेंट हो गया, इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अब बताइए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा और इसका कंजुगेट फॉर डायगोनल एलिमेंट, I पर J, तो डायगोनल एलिमेंट रो पर, डायगोनल एलिमेंट पर उसका क्या होता है, आयत और जेथ दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, दोनों सेम हो गया आयत है। जब एक साइड करेंगे प्लस हो जाएगा, और इसका कंजुगेट का मतलब समझ लो, चूंकि यह ए आई आई जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट क्या होगा, चाहे डायगोनल एलिमेंट हो या कोई भी एलिमेंट हो, हार्मेशियन या इसके हार्मेशियन का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी अलग होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप में ए प्लस आई भी मिलते हैं इसको, और यहाँ भी ए प्लस आई, लेकिन यहाँ कंजुगेट करेंगे कि ए माइनस आई भी हो जाएगा या माइनस ए माइनस आई भी, तो आई भी कट जाएगा, टू ए इक्वल जीरो, मतलब ए इक्वल जीरो। ए जीरो करने का मतलब हो गया कि जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें कि जेड जो लिए थे ए प्लस आई भी, वह क्या हो गया, बी जी ए जीरो हो गया तो आई भी हो जाएगा, जो किसको बता रहा है, रियल पार्ट जब जीरो हो गया प्योरली वन इमेजिनरी वन, है ना, क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी। तो क्या पता चला आपको, ए जीरो हो गया, ए जीरो होने का मतलब हो गया कि यदि इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा, यदि मान लें कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आ जाए जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए होगा। कहने का मेरा मकसद यह है, जैसे भी एग्जाम्पल लिए थे, टू प्लस थ्री आई, टू माइनस थ्री आई, फोर टू प्लस आई, ऐसा है। तो क्या हो जाएगा कि जब ऐसा होगा तो इस केस में यदि इस तरह का नंबर होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट ही सिर्फ रहेगा, उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या रियल पार्ट इसका जीरो हो जाएगा, है ना, रियल पार्ट इसका जीरो हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हट जाएगा, इसका रियल पार्ट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो होगा। कहने का मकसद यह था कि यदि रियल पार्ट उसका क्या होगा, जीरो, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप जीरो कर देंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो कर देंगे प्योरली इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी नहीं होता, सिर्फ आपका रहता ए प्लस जीरो आई, तो इमेजिनरी पार्ट भी नहीं होता, और ए का मान जीरो कर देंगे या ए को जीरो लेने के बाद, क्योंकि यहाँ ए का मान जीरो लिया गया था प्योरली इमेजिनरी हो गया, और ए का मान यहाँ जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ बोला गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आइदर क्या होगा, या तो जीरो होगा या आई भी आने का मतलब प्योरली इमेजिनरी होगा, आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और उसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of Hermitian and SQ Hermitian matrices. यहाँ proved directly. Prove that every, चूंकि हार्मेशियन और एसक्यू हार्मेशियन की बात जब भी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगी, prove that every complex स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed, uniquely हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं as the sum of हार्मेशियन एंड एसक्यू हार्मेशियन, जबकि हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके थे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, या हार्मेशियन और एसक्यू हार्मेशियन दोनों सेम पैटर्न से प्रूव होगा। Let A be any complex matrix. We can write, इसको लिख सकते हैं, half A plus A theta. दिखाएगा, क्योंकि A theta theta कट जाएगा, A 2A by 2 ये हो जाएगा। अब यह दो पार्ट में इसको कर लेते हैं, ए इक्वल हाफ ए प्लस ए थीटा, हाफ ए माइनस ए थीटा,
एक का नाम पी और एक का नाम क्यू लिख दिया। ओए पी किसको माना गया है? हाफ ए प्लस ए थीटा को, और क्यू किसको लिया गया है? हाफ ए माइनस ए। अब यह देखना पड़ेगा इस P और Q में एक हार्मेशियन होगा और एक SQ हार्मेशियन होगा। ना P हाफ A प्लस A थीटा ले ली, तो हार्मेशियन SQ हार्मेशियन निकालने के लिए उसका थीटा निकालना पड़ता है। यदि P थीटा P के बराबर आ जाएगा हार्मेशियन हो जाएगा, तो थीटा जब लगाएंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर होता तभी उसका कंजुगेट करना पड़ता, लेकिन रियल है तो सीधा बार हो जाएगा, उसमें कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जब ब्रेक करेंगे फिर, तो पहले का थीटा प्लस दूसरे के थीटा का होल थीटा, ऐसा आएगा। पहले में थीटा लगा, फिर दूसरे में एलिमेंट ए थीटा का थीटा लगा, और अभी हम लोग पढ़े कि दो बार थीटा लगाने से क्या होता है, वही चीज आ जाता है। दो बार लग गया, फिर देखिए वो सेम पी आ गया, ए प्लस ए थीटा इंटू वन बाई टू पी ही आ गया। तो आपने यहां क्या देखा कि पी थीटा पी के बराबर आ गया, सो पी इज हार्मेशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब यह दिखाना पड़ेगा क्यू के लिए ऑल्सो। क्यू बराबर क्या है? हाफ ए माइनस ए थीटा। फिर वही काम करेंगे यहां पर भी, क्यू थीटा ले लेंगे, हाफ बार हो जाएगा ए माइनस ए थीटा का होल थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? हाफ ए थीटा माइनस, पहले में लगा और दूसरे में थीटा लग गया, तो यहां से मिल जाएगा हाफ। दो बार थीटा लगाने के बाद क्या मिल गया? दो बार लगाएंगे तो सेम। अब माइनस यहां से कॉमन करना होगा, माइनस कॉमन करने के बाद ए माइनस क्या हो गया? ए थीटा आ गया। क्लियर है? तब बताइए यहां से जो कि किसके बराबर आ गया, यार माइनस हाफ ए माइनस ए थीटा को क्यू लिया गया। तो आपने देखा कि क्यू थीटा का मान माइनस क्यू आ गया, सो क्यू इज एस क्यू। हम लोगों ने यह दिखा दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक पी और एक क्यू, तो पी आपका हार्मेशियन मैट्रिक्स हो गया और क्यू क्या हो गया? एस क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। बात क्लियर है? आगे चलें। अब इसमें हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा फॉर यूनिकनेस। ये तो हम लोग दिखा दिए सम ऑफ हार्मेशियन और एसक्यू हार्मेशियन दिखा दी, अब यूनिकनेस के लिए हमको काम करना पड़ेगा। यह एक ही बार एक्सप्रेस हो जाएगा, दूसरा और कोई मैट्रिक्स में एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको नोट करें फिर आगे चलें। चलिए फॉर यूनिकनेस, चलिए इफ पॉसिबल we suppose a equal r plus s where r is hermitian, that is r theta equal r, and s is sq hermitian, so s theta equal। समझिए कि a इक्वल r प्लस s दूसरा मान के चलिए, अभी हम लोग p और q लिए थे, अब r s मान के चलते हैं, देखते हैं कि यह हो पाता है नया मैट्रिक्स या नहीं हो पाता है। यदि r p के बराबर आ जाए और s q के बराबर आ जाए, इसका मतलब हम लोग का माना हुआ व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो r हर्मिशियन मान है, एक हर्मिशियन और दूसरा s क्या है? sq हर्मिशियन है। हर्मिशियन होगा तो r थीटा r के बराबर, और sq हर्मिशियन होगा तो s थीटा माइनस s के बराबर। आइए इसको दो मान लीजिए। नौ ए थीटा कितना हो जाएगा? आर थीटा प्लस एस थीटा। अब यहां इसका आर थीटा आर हो जाएगा और एस थीटा माइनस एस हो जाएगा। यह हो गया वन, सॉरी ये तो वन ले ही चुके हैं, यह हो जाएगा टू। फ्रॉम वन सॉरी टू प्लस या थ्री कर लें, या टू या थ्री, टू प्लस थ्री एड करेंगे क्या होगा इन दोनों को? यहां एस एस कैंसिल हो जाएगा, आर आर टू आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए थीटा। तो यहां से हो जाएगा आर इक्वल हाफ ए प्लस ए थीटा, जो यह देखिए पी के ही बराबर आ गया।
पी माना था ना, हाँ पी प्लस एच ना, फ्रॉम टू माइनस थ्री, दो में तीन को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर आर कट जाएगा, एस में माइनस एस घट के जुड़ जाएगा टू एस या ए माइनस एच, तो यहां से आपका एस निकल गया हाफ ए माइनस एच टू, जो यह किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया। तो हम लोगों ने अभी क्या किया कि आर और एस दो नया मैट्रिक्स मान के चले, एक हर्मिशियन एक स्क्वायर, तो चलकर आपको पता चला कि आर पी के बराबर आ गया और एस क्यू के बराबर आ गया, इसका मतलब माना हुआ गलत हो गया। दस आवा सपोजिशन इज रॉन्ग, क्लियरली एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, दिखा जा रहा है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड एस क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है। दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्लियरली एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड एस क्यू हर्मिशियन, यह प्रूफ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और इसका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें, अगले क्लास में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए